subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, इस चैप्टर के ये लास्ट टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक का, चैप्टर थ्री का, क्लास सेवन का ये लास्ट टॉपिक है। अभी तक हमने ये देखा था कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह सिल्क भी एनिमल में आता है और इससे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मतलब सिल्क के बारे में देखेंगे बुक में, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, उसमें लिखा क्या है, जो किसान होते हैं मलबरी एक प्लांट होता है जिसके इसमें ये आपको फाइंड आउट में इसको पाला जाता है या इसका रेडिंग किया जाता है। ठीक है, मलबरी एक प्लांट होता है जो उसके अंदर में, तो पहले हम लोग करते क्या है, किसान लोग करते क्या है इसको, तो सिल्क को पहले वो लोग क्या करते हैं, रखते हैं और उसके ऊपर मलबरी प्लांट के ऊपर में न्यूली प्लांट होते हैं उनके ऊपर रखे जाते हैं, छोटे छोटे एग को रखा जाता है। एग किसान खरीद के लाया और उसको क्या किया, मलबरी प्लांट के ऊपर जो न्यू एकदम काफी न्यू प्लांट में जो लीव निकलते हैं उसके ऊपर रख दिया जाता है। रखने के बाद क्या होता है, उसे बहुत सारे एग जो होते हैं उसमें कुछ निकल के आती है थोड़ी की रेसा बाहर, उसको एक बंबू होता है गोल सा, उसको उसके बगल में रखा जाता है। जब वो मलबरी प्लांट के ऊपर रखा जाता है, जब उसमें से थोड़े अंडे से वर्म जो है कीड़े जो है थोड़ा बाहर आते हैं, तो क्या करते हैं कंटिन्यूअसली लगभग 20 डेज या 30 डेज कंटिन्यूअसली उसको फिटिंग करते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस बम्बू के अंदर में चले गए, बम्बू के अंदर में जाने के बाद वो क्या करता है उसको उसमें स्टे कर जाता है। करने के बाद बम्बू के ऊपर में घर के ऊपर में एक रेसा बनाता है जिसको बाद में किसान क्या करते हैं कलेक्ट करके उसको प्रोसेसिंग करके, वो प्रोटीन का बना होता है, वाइट लेयर में बना होता है, इसका प्रोसेसिंग करके उसको क्या होता है कि उसको आगे फर्दर सिल्क फाइंड आउट किया जाता है। अब वो जो इंसेक्ट्स हैं वर्म थे उनको हम लोग बना कर रखते हैं और बना कर रखते हैं उसको, उसी से जब वो ग्रो करते हैं आगे डेवलप करते हैं तो वो सिल्क जो होते हैं जो फीमेल सिल्क होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, एग मिलता है फीमेल सिल्क से। फिर उसी तरह सिल्क वर्म बना, सिल्क वर्म से कुकून बना, कुकून से हम लोग को सिल्क फाइंड आउट हुआ। इस तरह बहुत बड़ी प्रोसेस है फाइंड आउट करने की, और हमारे बिहार राज्य में भी सबसे बड़ी बात है भागलपुर सब साइड में एक खास तरह की सिल्क होता है जिससे उससे रेडिंग किया जाता है और उसकी बहुत लार्ज अमाउंट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहला है सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर, सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर, तो ये क्या है, सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, बताया था सिल्क किससे होता है, प्रोटीन फाइबर होता है व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म एंड कैन बी यूज्ड एज टेक्सचर फाइबर, और इसे एक फाइबर फाइंड आउट किया जाता है। सेकंड क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वर्म, अलग अलग सिल्क वर्म की जो टेक्सचर होती है कलर होती है, जैसे कि आप कर्नाटक साइड जाएंगे तो वहाँ की सिल्क की अलग खासियत होती है। हमारे बिहार में भागलपुर सब साइड में एक बहुत बड़े किसान के जो ग्रुप्स हैं जिस पर डिपेंड है, बहुत सारे किसान हैं भागलपुर साइड में की जाती है, प्रोड्यूस करने में क्या होता है इनकी बहुत सारी अमाउंट है जो पाई जाती है। उसके बाद इस तरह से देखेंगे तो ये कहने का ये था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वर्म होते हैं जिससे उनकी क्वालिटी कलर अलग अलग डिपेंड करते हैं, उनका नाम भी अलग अलग है, जैसे कि आपने मैंने लिखा भी है कहीं कहीं पे कोसा है ना, मुगा है, जिसे इट कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर, लस्टर में चमक एंड टेक्सचर, छूने पर जैसा लगे महसूस हो टेक्सचर, उसके आधार पर इसको कैटेगराइज किया जाता है, इनका नाम है ये सब बताया। प्रोसेसिंग सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन, कोकोन जो था ये जो कोकोन था इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोकोन से होता है कोकोन आर द कलेक्टेड एंड द लेफ्ट अंडर द सन, सन के अंदर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होती है और उस तरह से उसको हम लोग अंडर द सन या बॉयल कर लेते हैं हम लोग ताकि उसके अंदर में जो भी इंसेक्ट है वो खत्म हो जाए। प्रोटीन का बना होता है तो इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं। ए बर्ड ए बॉयल फॉर सेपरेटिंग एट द सिल्क फाइबर, और उसको हीट भी कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं या सन के नीचे में छोड़ देंगे उससे भी वो
फाइंड आउट होगा। After that reeling of the silk, इस तरह जो silk find out करेंगे, is done and process of the undertaking the silk from a cocoon. इस तरह से cocoon से find out किया, then the spinning of silk, मैंने बताया था, reeling spinning होता है, उसको धागे के रूप में जो बनाया जाता है, spinning करने के बाद, fiber into the threads is done. और उसके last में उसको thread के रूप में रखा जाता है, और thread के रूप में रखने के बाद उसको हम लोग किसी भी कपड़े के रूप आकार दे सकते हैं। सेकेंड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, आर्टिफिशियल जो आपको फाइबर होता है और आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल फाइबर, तो उनके बीच में डिफरेंस आपको लिखने हैं। आप इनकी क्वेश्चन सब ट्राई करोगे और आज ये चैप्टर लास्ट होगी, इसके बाद आप चैप्टर को क्या कीजिएगा कि भाई पढ़ लेने से नहीं होगा ये वीडियो से, उसके बाद आप एक बार रीडिंग कीजिएगा किताब को, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको फाइंड आउट कीजिएगा, न्यू वर्ड है उसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। उससे जो न्यू वर्ड होते हैं उसमें जो डार्क में जो लिखा होता है वर्ड सब, उससे आपको बुक में बहुत सारे वर्ड बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके डिफाइन लिखने के लिए, उनके वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, ये सब चीज करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज आप खुद घर पे करेंगे, इसके बाद जब इस चैप्टर के बारे में आपको पूरी कॉन्फिडेंस आ जाएगी और आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में जाइए।